नमस्कार, हमें देवेंद्र आपको अवगत करा दे। मध्य प्रदेश में वाली जिला के आजम तरीचर नगर परिषद में बैठे हुए। नगर परिषद को चुनाव कछु दिन रहेगा, शेष चुनाव होने हैं। आपको अवगत करा दें, जो भी नगर परिषद के अंदर हर वार्ड के अंदर अनेक लोग प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं। तो इसी बीच वार्ड नंबर 14 से हमारे बीच में प्रेम नारायण बुल्ली वर्मा जी, ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। प्रेम नारायण बुल्ली वर्मा जी को पर्चे बता दें, ये भारतीय जनता पार्टी से बहुत पुराने सक्रिय नेता है और ये वार्ड नंबर 14 रावली से, रावली एक मोहल्ला है, वहाँ से ये चुनाव लड़ रहा है, वो भी पार्षद का चुनाव लड़ रहा है। जानते हैं बुल्ली वर्मा जी से कि आखिरकार गांव का रुझान किस प्रकार देखने को मिल रहा है, बुल्ली वर्मा जी को क्या इनका कहना है, क्या मूल मंत्र है। वर्मा जी नमस्कार। नमस्कार साहब, पहले तो परिचय हो जाए आपको कि भारतीय जनता पार्टी से कब से जुड़े हैं आप। हम तो क्या दस पंद्रह वर्षों से लगे हैं, लेकिन अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी मंडल तरीके कला के मंडल महामंत्री भी है। क्या बात है। और निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं, पिछली बार डायरेक्ट नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी लड़े, पहले मुझे टिकट भी मिला और एंड टाइम पे मेरा टिकट कट गया, इसलिए मैं निर्दलीय भी लड़ा जी। निर्दलीय में 1576 वोट मिले, वो मात्र 250 वोट के अंदर से निर्दलीय चुनाव हार गया। और जब से निरंतर प्रयास लेके मैं तो बराबर पार्टी की सेवा में लगा हूँ ना, किसी हमारे जो सभी लोग हैं, अब थोड़ी बहुत लोगों की मन में रह गई, 250 आदमियों को नहीं समझा पाए, लेकिन हमें अपनी ताकत से ज्यादा वोट मिले थे। इस बार का क्या क्या मूल मंत्र है आपके, कौन से मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहा है इस बार आप? इस बार का है, पहले तो डायरेक्ट चल रहा, तो डायरेक्ट चुनाव ना होकर फिर पार्षद से होगा, तो पार्षद से लड़वी के लाने मजबूरी बनी जा। लेकिन अब चूंकि हमारी दिली इच्छा थी 14 नंबर रावली वार्ड से चुनाव लड़ेगी, उसमें ना कीजिए कि बाकी हमारे गांव में भी, मतलब यहाँ भी 12 वार्ड है तरीचा कला में, लेकिन हमारी दिली इच्छा थी रावली यही से लड़ेगी, रावली से, क्योंकि बहुत अच्छे संबंध है हमारे, सबसे पारिवारिक संबंध है, पाल समाज है, कीवट समाज है, वहाँ नापत समाज है और बुंदेला लोग हैं, तो सबसे अच्छी रावली में वार्ड नंबर 14 वोटिंग कितनी पड़ा, वोटिंग 345 मतदाता है उसमें। इस बार क्या लोगों को दर्शा रहा भैया, पहले गलती जो कछु हो गई जावार से नहीं, लोगों से बच्चा हो जाए, अब गलती तो नहीं हुई, लेकिन अब चूंकि कमी को ना कोई हुई, आपसे भाई होगी, जनता से भाई होगी, हाँ है ना, लेकिन अब चूंकि वार्ड मेंबर के लाने तो लड़ भी लाने, अब वार्ड मेंबर से अध्यक्ष बनने जी, तो इसलिए हम वहाँ से लड़े हैं, वो बस हमें भर मतलब आत्मा से पूरे विश्वास है कि वो कि जनता हमें जिताए, विश्वास है, विश्वास है पूरा। बाकी वहाँ विकास के मामले तो काफी आवास करीब, जैसे 3 वार्ड है वहाँ, और तरीचा में 12 वार्ड है, तो वहाँ 3 वार्ड में 250 आवास है केवल। अच्छा। हाँ, और बूटिंग है उतने 100 कछू की केवल, तो इतने हो गए, और 1400 कछू की लिस्ट बनी रखी है उसमें, उसमें भी कम से कम 250-300 आवास और आएंगे रावली से। और बाकी रोड तो हो ही गए, केवल मूलभूत थोड़ी सुविधा रहेगी कि 3 वार्डों में ये काम सामुदायिक भवन और नाली बनी है, लेकिन दुख सुख में कैसे लोगों की सेवा करत, कब से करत आ रहे हैं? हम तो 10 साल से बराबर सेवा कर रहे हैं उनकी, हर दुख सुख में, हर चीज में जो भी कमी हो, तो राशन व्यवस्था हर चीज में उनकी पूरी मदद, आवेदन कौन राशन गरीबी देखा, राशन व्यवस्था मतलब राशन कार्ड या वृद्धा पेंशन, हर चीज में मदद उनकी बराबर करत आ रहा है, बिल्कुल हमें भरपूर भरोसा है। लेकिन अब आपके माननीय विधायक होगा कि नहीं होगा? कल आए थे कल माननीय विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी, जिला महामंत्री, सभी लोग एक साथ, सब ने बिल्कुल पूरे 15 प्रत्याशी हमारे तरीके से होते हैं, सबकी एक सामूहिक मतलब सभी वार्डों में भ्रमण हुआ, और खासतौर से जाके 14 नंबर में विशेष रूप से विधायक जी ने, जिलाध्यक्ष जी ने, सब ने बहुत समय दो, अपने अपने मतदाता सबको समझाओ ने हर चीज़ में, तो इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि विजय आशीर्वाद दे रही है पूरी तरह से। चलो बच्चा जी आते बुल्ली वर्मा जी, जो कि इन्हें बताओ कि गाँव की जनता, क्षेत्र की जनता लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि पिछली बार इन्हें चुनाव लड़ो कछु बूटन से इन्हें हार को सामना करना पड़ा था, परंतु जा बार ऐसा मौका ना दे जनता, क्योंकि इन्हें जो सुख दुख में लोगों की मदद करी है और करत आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी से लगाव है, जुड़े, कल होगा महामुकाबला, क्योंकि वो आए थे विधायक जी, मान्य जी, खूब इनके जनसंपर्क में आशीर्वाद दे गए। अच्छा, जो मुद्दा कहा थे आपको, जो आप लिख के रखे थे योजना के बारे में, थोड़ी जो और बता दूँ। जनकल्याणकारी योजना है, जैसे मैंने प्रधानमंत्री आवास है, फ्री राशन व्यवस्था चली, गरीबी रखने वाले जी, और ये विकास के और भी कई प्रकार के मुद्दे, जैसे ये विकलांग पेंशन है, और तुम्हारे ये कानून संबल योजना है, दुर्घटना मतलब ये हर प्रकार की सभी योजनाएं का पूरा लाभ जनता को मिले, और हमारे द्वारा कायदे से मिल जाए, अच्छी तरह से मिल जाए, कोई परेशान ना होना पड़े, जो हम मेन बोल रहे हैं। धन्यवाद।
कैमरामैन शंकर के साथ देवेंद्र कुमार संवाददाता देव न्यूज झांसी।